छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडियन नेशनल रोड कांग्रेस का 83वां सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 8 से 11 नवंबर तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें सड़क और सेतु निर्माण के कार्यों को लेकर देश की सर्वोच्च संस्थाएं शामिल होंगे। देश भर के 2000 से ज्यादा विशेषज्ञ और इंजीनियर इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन का शुभारंभ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस पूरे सम्मेलन को लेकर हमारे सहयोगी गोपी कृष्ण साहू ने उप मुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव से चर्चा की। देखिए। कांग्रेस का चलो रोड अधिवेशन कांग्रेस को लेकर हमारे एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें रोड सेफ्टी को लेकर भी चर्चाएं होगी। किस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलेगी? ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। देश भर के इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ ये सब इस अधिवेशन में आने वाले हैं। 2000 से अधिक की संख्या में अलग अलग इनके टेक्निकल सेशंस होंगे, जो दुनिया में इनोवेशन हो रहे हैं और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट हम देश में और प्रदेशों में कर सकते हैं, इसकी चर्चा यहाँ होने वाली है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक और यादगार होने वाला है और इसका बड़ा लाभ देश को, प्रदेश को मिलेगा। आप इसी को लेकर अमेरिका के दौरे पर भी गए थे, एक तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इससे फायदा मिलने वाला है और उस पर विचार करेंगे जो टेक्नोलॉजी आ रही है और वो किस तरह से छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में यहाँ लागू किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर चर्चा की किस तरीके से यह कार्यक्रम होगा और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में रोड को लेकर, सेफ्टी को लेकर किस तरीके से और आधुनिकता के साथ में कार्य किए जाएंगे और देश, यहाँ प्रदेश की जनता को किस तरीके से फायदा मिलेगा। ये 3 दिनों का यह अधिवेशन होने वाला है, पहली बार छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ को भी आने वाले दिनों में इसका भरपूर लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन टिकेश्वर निषाद के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।